दिल्ली में खुला कमाई का ठेका, शराब से हुई करोड़ों की कमाई, छापेमारी के बीच आया करोड़ों का राजस्व, सियासी शोर के बीच हुई दिल्ली में मोटी कमाई। दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू हो गई है, लेकिन पिछले 5 दिनों में करोड़ों की कमाई इससे हो चुकी है। राजधानी में पुरानी शराब नीति लागू होने के बाद पिछले 5 दिन में करीब 270 करोड़ का राजस्व आ चुका है। आबकारी विभाग ने 500 दुकानों को लाइसेंस जारी किए हैं, जिसमें से दिल्ली में 387 शराब की दुकानें खुल पाई हैं। आपको बता दें कि ये कमाई सरकार को उत्पाद शुल्क, लाइसेंस शुल्क और शराब बिक्री को मिलाकर मिला है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर पिछले दिनों जमकर हंगामा हुआ था, जो अभी तक जारी है। आप और भाजपा दोनों सियासी दल इसको लेकर आमने सामने हैं। यही नहीं, छापेमारी का दौर भी जारी है, लेकिन इस बीच ये आंकड़े जारी हुए हैं। दिल्ली में जो शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए गए हैं, वो जनवरी 2023 तक के लिए हैं। इसके अलावा 926 होटल, क्लब और रेस्टोरेंट को भी लाइसेंस दिए गए हैं। ये लाइसेंस फरवरी 2023 तक के लिए मान्य होंगे। लाइसेंस देकर भी सरकार ने मोटी कमाई की है। उधर दिल्ली में शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली में शराब की दुकानों के साथ साथ 6 प्रीमियम दुकानें भी खोली जाएंगी, जो शॉपिंग मॉल्स के अंदर होंगी। आपको बता दें, दिल्ली में शराब की पूर्ति के लिए 195 भारतीय और 235 विदेशी ब्रांड्स को लाइसेंस दिए गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली में जाम लगाने वालों को कोई परेशानी ना हो, उनके लिए आने वाले दिनों में 1000 से अधिक ब्रांड्स बाजार में लाए जाएंगे। आबकारी विभाग का दावा है कि दिल्ली में वर्तमान में शराब की कोई कमी नहीं है। लाइव हिंदुस्तान इस खबर को दिखाने के साथ ही आपसे ये अपील करता है कि शराब का सेवन नहीं करें, क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक है।